प्रधानमंत्री मोदी आज এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ কৰি মন্দিৰৰ বিষয়ে বিতং তথ্য সদৰি কৰে আৰু মন্দিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ উপলব্ধি বৰ্ণনা কৰে এইদৰে আমাৰ ত্যাগ তপস্যা মে কুছ তো কমি ৰহ গৈ হ'গি কি হম ইতনি সদিয়ো তক ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे योग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। प्रधानमंत्री मोदी राम संक्रांत तो आज किसी व्याख्या आग बढ़ाई राम माने कि राम अर्थ की से विषय व्याख्या आग बढ़ाई मोदी यही दौरे। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में
साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है।